औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ऐसा बंदा जो अपनी ज़िंदगी में नाकाम होके फिर कामयाब हो गया। जब वो शुरू कर रहा था अपना काम तो लोगों ने उसे ऐसी वैसी पता नहीं कैसी बातें कहीं, उसको डीमोटिवेट करने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। मतलब आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ बिलीफ की। जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसा बंदा जो अपनी प्राइवेट जॉब में रिज़ाइन देता है, एक बंदा जो अपनी प्राइवेट कंपनी की जॉब को रिज़ाइन देकर अपना यूट्यूब चैनल खोलता है। ये उसकी स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके मुंह के मुताबिक, उसके अल्फाज के मुताबिक वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया, पहले तो चंद साल पहले अपनी जो प्राइवेट जॉब थी वो उससे रिज़ाइन दे दी। प्राइवेट जॉब से रिज़ाइन देकर उसके बाद उसने एक यूट्यूब चैनल खोला। जब उसने रिज़ाइन दिया तो उससे लोगों ने पूछा, ये क्यों कर रहे हो, नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? तो उसने कहा, मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगा और वहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ निखारूँगा, चेंज करूँगा, लोगों के माइंड चेंज करूँगा। तो बहुत सारे लोग उस पर हंसने लगे, ये क्या कर रहा है यार, अपनी ज़िंदगी ख़राब करके दूसरों की ज़िंदगी कैसे चेंज करोगे? बिल्कुल, काफ़ी हद तक हम ये तो कह सकते हैं ना कि क्योंकि उसने अपनी जॉब जो है वो उससे रिज़ाइन दिया और बाद में उसने यूट्यूब चैनल खोला और उसने यूट्यूब चैनल पर वर्क करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, पूरे चार पाँच साल के बाद आज वो इतना सक्सेसफुल है ना इंडिया में, बेसिकली वो इंडिया का ही है। उस बाय नेम हिमेश मदान, आपने सुना होगा। हिमेश मदान आज 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसको, उसके चैनल पे आज वो करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहा है, क्योंकि उसको एक बिलीफ था, एक यकीन था, खुद पे कॉन्फिडेंट था, एक पुरएतमाद बंदा था जो आज एक कामयाब बंदा बन चुका है। आपने हिमेश मदान को तो देखा ही होगा, उसका एक चैनल है हिमेश मदान के नाम ही से। तो वो हर किस्म की, हर तरह से आपको मोटिवेट करता है, आपको स्पीचेस देता है, आपको लेक्चर्स देता है, आपकी ज़िंदगी ना हर लिहाज से संवारता है। तो ऐसे भी जो ना वो कामयाब होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बंदे हैं ना, आमतौर पे जो बंदे हैं, आप कोई काम शुरू कर रहे हो ना, पहली बात तो ये, कुछ बंदे कुछ तादाद में ऐसे होंगे, कुछ तादाद में ऐसे होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, और बहुत सारे अक्सरियत में ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, करेंगे नहीं यार ये क्या करोगे। बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तुम बनोगे क्या करोगे, कौन सुनेगा तुम्हें? नहीं, उनकी बातों में नहीं आना है आपको। आपको क्या करना है, अपनी मेहनत जो है ना उसमें कंसिस्टेंसी लाना है। देखें भाई, सलाह बंदे नहीं देते, सलाह अल्लाह ताला देता है बंदों के थ्रू। अब होता क्या है, वही बंदे उनका रवैया बदलता है। बंदे वही होते हैं, बस रवैया चेंज होता है। आप जब कामयाब बनोगे ना, लोगों के रवैये तब्दील होकर होते देखोगे। आप कामयाब बनोगे, वही लोग होंगे, कहेंगे सलाम अलैकुम, कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या हुआ, कैसे हैं, मतलब ऐसे अल्फाज आपसे पूछेंगे, ऐसी ग्रीटिंग्स देंगे आपको, क्योंकि आज आप कामयाब हैं। कल नहीं थे, बंदे वही थे, आपको डीमोटिवेट कर रहे थे। अब आप कामयाब हो चुके हो, बंदे वही हैं, उनके रवैये चेंज हो चुके हैं। तो बंदों के रवैये चेंज होते हैं, आप बंदों से डीमोटिवेट ना हो। आज वो कुछ भी कह रहे हैं ना, कल वो फिर आके दूसरी बात कहेंगे। आज वो आपको गलत कह रहे हैं ना, कल वही लोग कहेंगे, यार ये मुझसे मिलता था, ये सही है, मैंने उसे ये कहा था, मैंने ये उसे ये कहा था, हालांकि उसने कुछ कहा भी नहीं होगा। तो जब आप कामयाब बनते हो, कंसिस्टेंसी आप खुद में लाते हो, बाद में कामयाब शख्स बन के दिखाते हो ना, तो लोगों के रवैये चेंज होने लगते हैं। समझ लेना, अगर आप कामयाबी के रास्ते पे हैं ना, तो लोगों के रवैये चेंज होते देखेंगे। अच्छा, मंजिल के पीछे नहीं भागना है, काफ़ी अच्छा जुमला है, मैंने भी सुना था किसी से। मंजिल के पीछे अगर आप भागेंगे, मंजिल के पीछे मतलब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मंजिल पर होगा, तो रास्ते आपको पता नहीं चलेंगे, भटक जाएंगे। अगर आप भटक जाएंगे ना, तो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं, भटकना नहीं है आपको, बस रास्ते पे आना है, सही रास्ता चूज करें, बाद में मंजिल तो मिल जाएगी। आहिस्ता 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 चलेंगे, मंजिल इन लॉस्ट मिल जाएगी। आपका रास्ता जो है ना, आपकी जो डायरेक्शन जो है ना, वो सही होनी चाहिए, बस यही बात है। तो मैंने आज आपको ये बताया कि देखें, कंसिस्टेंसी से और खुद पर सेल्फ
कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ पे आदमी पता नहीं कुछ सब कुछ कर सकता है। अगर आप भी आज कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लें, लोगों की बातों में ना आएं, और उन लोगों से तो बिल्कुल परहेज करें जो आपको कुछ चीज़ें सिखाते नहीं हैं। और हालांकि आपको आपके काम से एक होती है डीमोटिवेशन, वो देते रहते हैं, हर लिहाज से आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो देखें, फ़िलहाल थोड़ी बहुत दूरी अख्तियार करें उनसे, क्योंकि आदमी का जो दिमाग है ना वो झट से डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो, काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे, उन्होंने बेचारों ने चैनल्स भी खोले थे, उन्होंने अपनी बिजनेस चलाए थे, लेकिन फ्लॉप गए। क्यों? लोगों के डर में आ गए। लोग जो डीमोटिवेट करते हैं ना, उसका इम्प्रेशन बड़ा पड़ता है, क्योंकि हम जो है ना वो कहते हैं अरे इसने कहा यार, हाँ यार ऐसा ही होगा। मेरा एक बहुत अच्छा टीचर था, पता है, वो हमें एक जो है ना एक स्टोरी बताता था, वो एक कहानी बताता था, कहानी की सूरत में हमें कुछ जो है ना वो सिखाना चाहता था। वो हमें समझाता था कि अगर एक बंदा यहाँ से दौड़ता जा रहा है और दो मीटर्स के बाद एक खड्डा है जहाँ से उसको जंप मारना है, तो वो पहले तो झट से तैयार हो जाएगा, जी मैं करूँगा। लेकिन बाद में अगर आप उसे बताएं, ओ भाई अच्छों की टांगें टूट गई है यहाँ से, तू कैसे जंप मारेगा, अच्छे तो भाग गए इस खड्डे को देख के, तू कैसे जंप मारेगा, तो जब वो रनिंग करेगा ना सोचेगा हाँ यार लोग तो मर गए, लोगों की तो टांगें बढ़ गई, टांगें टूट गई, मैं क्या करूँगा, नहीं भी नहीं कर सकता, छोड़ देंगे, या फिर जंप मारेंगे भी ना तो नाकाम हो जाएंगे, खड्डे में गिर जाएंगे। तो लोगों की बातों का हम पे बहुत सारा इम्पेशन पड़ता है, इसीलिए कह रहा हूँ यार कि आप उनसे थोड़ी बहुत दूरी अख्तियार करें, और जो पॉजिटिव लोग हैं, मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं उनसे मेल जोल रखें। पॉजिटिव चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उनसे मेल जोल अपनी बढ़ाएं, और उनसे जितना हो सके उतना सीखें, और ख़ुद पे सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब आप कामयाब होंगे और लोगों के रवैये तब्दील होते देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका अपना तौहीद सुमरो इन चैनल तौहीद मोटिवेशन। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइज, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी फॉर ग्रोइंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि मैं जो भी कुछ भी बता रहा हूँ, जो कुछ भी समझा रहा हूँ, 5, 10, 15 या 20 जो भी मुझे जनरली ऑर्डिनरी व्यूज़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी अगर संवर गई, या उन्होंने इस मेरे लेक्चर से 2, 3, 4, 5 जो अल्फाज हैं वो सीख लिए हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी सक्सेस है। मैं खुश होता हूँ इससे, क्योंकि काफ़ी सारे 2, 3, 4 ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, बाद में मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार ये बंदे ना वो कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, और कुछ मुझे सिखाते भी हैं। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।